मौज ऐप को डाउनलोड करें और हिस्सा लें इंडियाज़ गॉट टैलेंट के वाइल्ड कार्ड एंट्री में। मौज बना, हिट हो जा। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। उत्तर प्रदेश में अब पांचवें चरण की बारी है। 27 फरवरी को जनता वोट देने निकलेगी। इससे पहले चुनावी प्रचार के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता पूरा जोर लगा रहे हैं। इस दौरान पार्टियां अपने दिग्गज नेताओं को भी जन समर्थन के लिए मैदान में उतार रही हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के दिग्गज नेता उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर पहुंचे। पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे और शिवसेना सांसद संजय राउत ने चुनावी रैली को संबोधित किया। शिवसेना प्रत्याशी राजू श्रीवास्तव के समर्थन में इन दोनों दिग्गजों ने डुमरियागंज में चुनावी रैली की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आपने जो वर्णन किया है ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 10 मार्च के बाद आपको नहीं दिखेगी, ना गोरखपुर में दिखेगी, यहां से तो हट गई समझ लो आप, ना लखनऊ में दिखेगी। और यही परिवर्तन का माहौल रहा तो 2024 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी दिल्ली से भी भाग जाएगी। और ये शुरुआत यहां से हो रही है, इस भूमि से, इस पावन भूमि से, ये गौतम बुद्ध की भूमि से। हमारी राजनीति शिवसेना की नफरत की राजनीति कभी नहीं रही। जरूर हमारे हाथ में हिंदुत्व का केसरिया है, हिंदुत्व का भगवा है, लेकिन हमारे साथ हिंदू के साथ मुसलमान भी है, सिख भी है, क्रिश्चियन भी है, क्योंकि हम सब राष्ट्रभक्त है। हम राष्ट्रभक्त की राजनीति करते हैं। जो एक आशावाद की बातें चल रही थी, परिवर्तन की बातें चल रही थी, सपा से भाजपा तक आप लेके गए। 2017 का जो चुनाव हुआ, एक विकल्प करके आपने कमल को चुना, भाजपा का चुना, लेकिन जो भी सपने दिखाए थे वो सपने पूरे कर पाए हैं? तो परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं? जो भी उस वक्त हम सुन रहे थे, बातें सुन रहे थे, हमें भी महाराष्ट्र में लगा कि चलो उत्तर प्रदेश में कुछ नया होने वाला है, उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहने वाली है, केंद्र में भारत सरकार इतनी 303 की बहुमत से बनी हुई है, यहां भी बहुमत, यानी कैसा बहुमत, जैसे कोई राजा को बहुमत दे वैसे बहुमत की सरकार भाजपा की उत्तर प्रदेश में बन चुकी थी। लेकिन जो भी वादे थे, जो भी आशाएं दिखाई, जो भी सपने दिखाए, वो सपने सपने रह गए, सपनों का जुमला बन गया, लेकिन सपने खरे उतरे नहीं। उतरे क्या? सिर्फ नफरत की बातें हुई, सिर्फ दंगे की बातें हुई, डरावनी बातें हुई। अभी भी 5 साल बाद, यानी भारत सरकार तो 7 सालों से है, 2014 से है, बहुमत दोनों बार मिली थी। अभी भी मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो भारी बहुमत मिली थी 2017 में, 7 साल भारत सरकार के और 5 साल उत्तर प्रदेश सरकार के, भाजपा सिर्फ लोगों को डराते आई है कि ऐसे होगा, वैसे होगा, ये खतरे में है, वो खतरे में है, लेकिन खतरे में कोई हो नहीं सकता। ये श्री राम की भूमि है, श्री राम की भूमि है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिए 27 फरवरी को वोटिंग है। पांचवें फेज में 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान किया जाएगा। इस चरण में मतदाता 692 प्रत्याशियों की किस्मत को ईवीएम में कैद करेंगे। ऐसे में देखना होगा कि सिद्धार्थनगर की जनता शिवसेना का साथ देती है या नहीं। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।